शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं रोजे क़यामत की कसम खाता हूं और नफ्स लव्वामा की कसम खाता हूं कि सब लोग उठाकर खड़े किए जाएंगे। क्या इंसान यह ख्याल करता है कि हम उसकी बिखरी हुई हड्डियां इकट्ठी नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, और हम इस बात पर कादिर हैं कि उसकी पोर पोर दुरुस्त कर दें। मगर इंसान चाहता है कि आइंदा भी खुद सरी करता चला जाए। पूछता है कि क़यामत का दिन कब होगा? सो जब आंखें चुंधिया जाएं और चांद गहना जाए और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएं, उस दिन इंसान कहेगा कि कहां है भागने की जगह? कहीं नहीं, कोई जाए पना नहीं। उस रोज तुम्हारे परवरदिगार ही के पास तुम्हें जा ठहरना है। उस दिन इंसान को जो अमल उसने आगे भेजे और जो पीछे छोड़े होंगे सब बता दिए जाएंगे। बल्कि इंसान आप अपना गवाह है, अगरचे उज़्र माज़रत करता रहे। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही के पढ़ने के लिए अपनी जबान को तेज तेज हरकत ना दिया करो कि इसको जल्द सीख लो। इसका जमा करना और पढ़ाना हमारे जिम्मे है। सो जब हम इसे पढ़ा करें तो तुम उसको सुना करो और फिर उसी तरह पढ़ा करो। फिर उसके मानी का बयान भी हमारे जिम्मे है। मगर लोगों, तुम दुनिया को दोस्त रखते हो और आखिरत को छोड़े देते हो। उस रोज बाज चेहरे रौनकदार होंगे, अपने परवरदिगार की तरफ नजर किए हुए होंगे, और बहुत से चेहरे उस दिन उदास होंगे। ख्याल करेंगे कि उनके साथ कमर तोड़ मामला किया जाएगा। हाँ, जब जान गले तक पहुंच जाए और लोग कहने लगें, इस वक्त कौन झाड़ फूंक करने वाला है। और उस जां बलब ने समझा कि अब जुदाई का वक्त है और पिंडली से पिंडली लिपट जाए, उस दिन तुझको अपने परवरदिगार की तरफ खींचे चले चलना है। फिर ऐसे मगरूर ने न तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा जाना और न नमाज पढ़ी, लेकिन झुटलाया और मुंह फेर लिया। फिर अपने घर वालों के पास अकड़ता हुआ चल दिया। खराबी है तेरी, खराबी पर खराबी है, फिर खराबी है तेरी, खराबी पर खराबी है। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा? क्या वो मनी का जो टपकाई जाती है कतरा न था? फिर लोथड़ा हुआ, फिर अल्लाह ने उसको बनाया, सो उसके आजा को दुरुस्त किया। फिर उसकी दो किस्में बनाई, मर्द और औरत। क्या उसको इस बात पर कुदरत नहीं कि मुर्दों को जिंदा कर दे?